मतलब दोस्तों, शैलेश लोढ़ा ने तारक मेहता के रूप में इन 15 सालों में जो जगह बनाई है उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। ये बात का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया और वही पुराने एक्टर का चेहरा बार बार उस नए एक्टर के चेहरे पर दिखाया जा रहा है उसकी एंट्री पर, ताकि ऑडियंस को यकीन हो जाए कि हाँ, यही है नए तारक मेहता। और फाइनली अब नए तारक मेहता की एंट्री हो चुकी है शो में। और आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ एपिसोड में तारक मेहता नहीं बल्कि आसित मोदी ही एपिसोड के लास्ट में कमेंट्री कर रहे हैं। शायद ये इसीलिए कि पुराने मेहता साहब की एंट्री के अचानक बाद नए मेहता साहब की एंट्री थोड़ी सी ओड ना लगे कमेंट्री करते हुए, इसलिए शायद एक गैप दिया जा रहा है बीच में। तो गाइस, आपको नए मेहता साहब कैसे लगे तारक मेहता सीरियल में कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा। इसी तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी।